अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये गोट शाह मोहम्मद का इलाका है और ये मेन गली है गोट शाह मोहम्मद की। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये मैं गली में जा रहा हूं, ठीक है। आपको मैं इस इलाके के मिसाल दिखाऊं, हर वक्त गंदगी यहाँ पर फैली रहती है, गलियों में 24 घंटे पानी रहता है, रोड्स का कोई इंतज़ाम नहीं है। चंद दिन पहले सोलंगियाँ बनाई गई थी, वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ये देखें, ये भी रोड गली है, इसी गली से मैं आ रहा हूँ देखें, और ये भी एक साइड पे पानी खड़ा हुआ है, गंदगी है, जोड़ बना हुआ है ये पानी। ये मसाइल आप देख लें, यहाँ से चक्की का पानी निकल कर रहा है, और ये पानी जो है ये भी इस पर कोई नाली नहीं बनाएगी, ये पानी भी सीधा जाके गली में आएगा। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर रोड और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये सामने से साहब गुजर आ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सोलिंग्स है लेकिन टूट चुकी है, गलियाँ वलियाँ कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली गली में दिखाया था, बिल्कुल पानी जो वहाँ से निकल रहा है और मेन रोड पर जा रहा है, सारा रोड ख़राब हो रहे हैं। मैं आगे भी आपको दिखाऊँगा। बिल्कुल जी, ये मेन रोड के साथ गोट शाह मोहम्मद की दूसरी गली है जहाँ से मेन रोड लिंक होता है रफ़ीक महाजर की दुकान से, ये गली सीधी आती है। इस रोड में जो है सीवरेज का इंतज़ाम ना होने की वजह से लोगों ने अपने घर के बाहर घड़े खोद रखे हैं जो पानी से भरे रहते हैं, और ये देखें ये घड़ा भी भरा हुआ है, ये सीधा पानी इसमें आ रहा है। और ये पिछले इसी रोड पर मैंने आपको दो और बड़े घड़े दिखाए थे, वो भी पानी से भरे, इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं, मसाइल पैदा होते हैं लोगों के लिए, और लोग मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं। मैं आगे जाके भी आपको एक दो गलियाँ दिखाऊँगा। ये देखें जी, ये भी घर से बाहर पानी आ रहा है, ये जब पानी ज़्यादा होता है तो रोड पे आता है, उससे रोड भर जाता है जी। अब इसी गली के मोड़ पे मैं आ गया हूँ, ये देखें यहाँ से वो सामने घर है, आपको ये कचरा भी नज़र आ रहा होगा, सामने पानी भी आता हुआ नज़र आ रहा होगा। और अब मैं आपको दिखाऊँगा, ये है जी मेन, यहाँ पर तमाम शेखों के घर हैं, और शेखों के घर वाली गली है जो गुजरों के घर सीधी जाती है, ये वो वाली गली है। ये पानी देखें इस घर से निकल रहा है, मैंने कई बार मना किया इनको कि पानी रोड पे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पानी देखें रोड पे आके इस तरह आगे ये पानी फैलता है, और ये किस तरह आगे आके जूहड़ बन जाता है। ये देखें, ये पूरी गली को पानी ख़राब कर रहा है, और यहाँ से आने वाला हर बंदा मसाइल्स का शिकार होता है। कई बार मना करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ये सामने पानी घर से निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये इन लोगों की नाहली है। मैं इनको कई बार मना कर चुका हूँ कि रोड पर पानी ना ले, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं।